आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे राजनीतिक गलियारों का। बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को अपने गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर इंटरव्यू देते हुए मोदी ने कहा है कि मैं पैदाइशी राष्ट्रवादी हिंदू हूं और देशभक्त हूं। हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं है। नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियट, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट, सो यू कैन से यस आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट बिकॉज़ आई एम अ बॉर्न हिंदू। आई एम अ पैट्रियट, सो नथिंग इज रॉन्ग इन इट। मोदी ने एक लाइन में साफ साफ कह दिया कि 2002 में गुजरात में जो कुछ किया वो सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। मोदी बोले, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी से क्लीन चिट मिल चुकी है। जब पूछे जाने पर कि लोग उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो उन्होंने खींच महसूस की, इस पर मोदी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तब वो खुद ही जिम्मेदार मानते अपने आप को। मोदी के मुताबिक हर किसी का अपना नजरिया होता है। खींच तब महसूस होती है जब आपको लगता है कि किसी ने आपको चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि 2002 को लेकर उनकी आलोचना होती है जिसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। मोदी ने कहा कि आलोचनाओं का स्वागत करना चाहिए। मोदी आगे कहते हैं कि उन्हें आलोचना पसंद है लेकिन आरोप नहीं। हिंसा पर सफाई देते हुए मोदी ने एक कार का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है और हम पीछे बैठे हैं और अचानक से कोई कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो क्या दुख नहीं होता? बिल्कुल होता है। मैं चाहे मुख्यमंत्री हूं या नहीं, मैं एक इंसान हूं और अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो मुझे दुख होता है। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि उन्होंने दंगों के बाद शानदार काम किया है। कोई भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो उन दंगों के समय में जो अच्छे से अच्छा कार्य एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और 48 घंटे के अंदर फौज को बुला करके उन दंगों को रोका। मोदी की सफाई पर कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करती है। जिस प्रकार से 2002 के अंदर सांप्रदायिक हिंसा के अंदर हजारों लोगों की जाने गई और जो तुलना का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभ्य भारत के अंदर इस प्रकार की तुलना की कोई जगह नहीं है। यह भारत की सोच के ठीक विपरीत है। जिस प्रकार की तुलना और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस बयान को दिया है हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि जो इस प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं, सोच भी इस प्रकार की तुलना के बारे में सोच भी सकते हैं, ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मोदी की सफाई पर समाजवादी पार्टी ने भी मोदी पर तीखा हमला बोला है। जो उसके लिए दोषी चाहे जितना बड़ा व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ये है एक राष्ट्रवादिता कहलाएगी। ये एक सरकार का कर्तव्य जो होता है वह निष्पक्ष जांच इसी को कहते हैं। अब ये तो उनका अहंकार है, हमें तो आलोचना भी पसंद है आरोप भी पसंद है, हमको कोई अहंकार नहीं पसंद है। और राजनीति में बड़ा व्यक्ति वो होता है जो आलोचना आरोप दोनों स्वीकार करे और उनको एक धर्म के रूप में उसको एक जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके उस आलोचना और उस आरोपों का आत्मचिंतन करे। आत्मचिंतन के साथ अगर उनको ठीक करने का प्रयास करेगा।